फ्रेंड वन सेकंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन टेक। फ्रेंड हम आज के वीडियो में जानेंगे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो भी कर्कुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन और ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का सिलेबस क्या रहेगा और पेपर आप सभी छात्रों को कैसे पेपर आएंगे उसके भी मॉडल पेपर है मेरे पास उसको भी हम शो करेंगे। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम यही जानेंगे ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का सिलेबस क्या रहेगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का भी सिलेबस क्या रहेगा और थर्ड नंबर पर बेसिक आप कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट है सभी छात्रों का, ये सभी छात्र जो भी अनिवार्य सब्जेक्ट है क्योंकि फ्रेंड जैसे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो गया सभी छात्रों को पेपर देना इसका अनिवार्य और ह्यूमन वैल्यू इन एनवायरमेंटल हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर जो भी स्टूडेंट उन सभी छात्रों को भी देना अनिवार्य। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम यही जानेंगे सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकें क्योंकि फ्रेंड जो भी सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही सिलेबस है, यूपी उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस बनाया गया है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, ह्यूमन वैल्यू इन एनवायरमेंटल स्टडी का। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी चाहते हो सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। हम जो कि पीडीएफ को ओपन कर जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ जिसमें दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए यही सिलेबस रहेगा। जैसे फ्रेंड आप जो कर्कुलर कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो फ्रेंड ऐसे ही जो कि थर्ड सेमेस्टर का है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी, तो फ्रेंड इसमें देखिए दिया गया जो कि एफिलिएट वगैरह कुछ भी मतलब जो भी दिया गया इसमें प्रोफेसर वगैरह के द्वारा डिजाइन किया गया है इसमें सभी का नेम वगैरह दिया। सिलेबस डेवलपमेंट बाय नीतू सिंह सब्जेक्ट एक्सपर्ट है जो कि यहाँ पे डॉक्टर शिवानी वर्मा करके सब्जेक्ट एक्सपर्ट वगैरह है, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह होम साइंस के। तो फ्रेंड इसमें दिया गया यहाँ पे जो कि यहाँ पे कॉलेज नेम वगैरह भी दिया गया और फ्रेंड यहाँ पे जो कि पेपर कोड पेपर टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन फर्स्ट सेमेस्टर टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन टू स्टडी देन, यहाँ पे जो कि फ्रेंड यहाँ पे 4 से 5 जो कि दिया गया उस कंसेप्ट को आप सभी छात्रों को पढ़ के जाना क्योंकि फ्रेंड बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी जिसमें इसका एग्जाम जो कि एमसीक्यू ही होते हैं, लगभग 90% यूनिवर्सिटी एमसीक्यू एग्जाम कराते हैं। जैसे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय द्वारा भी एमसीक्यू एग्जाम कराया जाएगा और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा भी इसका यहाँ पे एमसीक्यू एग्जाम ही कराया जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे नीचे दिया गया यहाँ पे टू लर्न 100 डेज न्यूट्रिशन कंसेप्ट वगैरह सभी के बारे में टॉपिक दिया गया और फ्रेंड यहाँ पे टॉपिक दिया कंसेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन डिफाइन ऑफ फूड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हेल्थ वगैरह सभी का डाइट वगैरह मील प्लानिंग कंसेप्ट ऑफ फैक्टर वगैरह मील प्लानिंग फूड ग्रुप एंड फंक्शन ऑफ फूड वगैरह सभी का दिया गया कंसेप्ट फ्रेंड यहाँ पे। फ्रेंड आप सभी चाहते हो कि इस पीडीएफ को देख के जो कि पीडीएफ में जो भी एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि प्रोटीन वगैरह के बारे में दिया गया है तो उसको आप सभी चाहते हो पढ़ के जाना है एमसीक्यू एग्जाम में क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आप सभी छात्रों को यहाँ पे टिक करना होगा। तो फ्रेंड इस सिलेबस को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिंक जो कि अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए जो कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का सिलेबस आप सभी छात्रों को चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी छात्र वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड डाउनलोड करना तो आप लोग महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के ऑफिशियल साइट से भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक बार ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का सिलेबस को हम भी देख लेते हैं। पीडीएफ को ओपन कर लिया जो कि यहाँ पे कर्कुलर कोर्स थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी जिसमें दिया गया यहाँ पे मतलब कॉलेज नेम वगैरह यहाँ पे फ्रेंड दिया गया जो मतलब जिन जिन लोगों ने सिलेबस को डेवलप किया है डॉक्टर मनुका खन्ना करके कोई है उनके द्वारा भी इस पर डेवलप किया, ज्योति प्रकाश निशांत कुमार करके असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस माइंड जो यहाँ पे लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के यहाँ पे प्रोफेसर लोग हैं उनके द्वारा ही इस सिलेबस को डेवलपमेंट किया गया है। और फ्रेंड यहाँ पे दिया गया कर्कुलर कोर्स टाइटल ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, फ्रेंड यहाँ पे दिया गया और भी नीचे टॉपिक दिया गया है तो ह्यूमन वैल्यू हो गया इंट्रोडक्शन वैल्यू हो गया। तो फ्रेंड ऐसे जो कि यहाँ पे टॉपिक वगैरह आप सभी छात्रों को देख के क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसका भी एग्जाम जो कि रिटर्न ही कर रहा है जैसे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी द्वारा भी इसका एग्जाम रिटर्न ही होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बायो असिस्टेंट ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फ्रेंड हाउस भी ऐसे भी
दिया गया, सभी असाइनमेंट हो गया और फिर फाइनल प्रिंट फाइनल एग्जाम वगैरह के बारे में दिया गया। फ्रेंड पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, आप सोचा तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट फूड न्यूट्रिशन हाइजन उसका पेपर जो कि एमसीक्यू ही होगा फ्रेंड, इसलिए जो वीडियो हम अपलोड किए हैं आप सोचा तो उसको देख लिए, उसमें आंसर भी बताया गया है और प्रीवियस सेमेस्टर का जो कि क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपसे चाहते हो कि यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपसे चाहते हो सबसे पहले मिलती रहेगी।